हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग को पता है कि कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी समरसेबल केबल के बारे में। कुछ केबल वहाँ पे पड़े हुए हैं और एक बंडल ये हमारे पास पुराना है जो 6 mm का है, और एक हमारे पास अभी नया आया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये भी 6 mm का ही है। तो दोस्तों, इसमें मेरे को थोड़ा सा फ़र्क मैं समझ नहीं पा रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना दूँ। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं दोस्तों कि ये मेरे पास जो बंडल है, ये 500 मीटर का बंडल है, जो कि ये भी सेम 6 gauge है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 6 mm, और ये टेक्समो कंपनी का है। तो मैंने अभी पूरा नहीं खोला है, थोड़ा सा ही खोला है। तो दोस्तों, मेरे पास जो है ये केबल पड़ी है, जो बंडल वहाँ पर रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये भी 6 mm है, मैं आपको दिखा दूँ, 6 mm देख सकते हैं, और ये भी 6 mm है। लेकिन इनमें फिर भी फर्क बहुत ज़्यादा समझ में आया मेरे को। आप देख सकते हैं कि जैसे कि इस केबल में जो तार है इसकी और इस केबल की, तो मेरे को, मैंने जब इसकी बंडल की, जो नया बंडल है मेरा, इसमें इसकी ये जो तार है, मैंने इसको गिना, सब में 56 तार हैं। और जो ये मेरे पास एक और पड़ा था, ये भी सेम है, 56 तार इसमें भी इनके लिए हैं। और मैंने जब इसको मोटाई में देखा, तो इनकी तारों की जो मोटाई है, हर तार की मोटाई जो है, एकदम सेम है, जैसे कि इसमें वैसा इसमें है। बस इसमें थोड़ा सा फ़र्क ये है दोस्तों कि इसका कवर जो आप देख सकते हैं, मैं दोनों को साथ में रखता हूँ, तो आप देखेंगे कि कवर जो इसका है, इसका मोटा है और इसका पतला है। और ये थोड़ी दूसरी कंपनी का है, HRT Gold, और ये जो मेरे पास पड़ा है, ये जो है टेक्समो का। लेकिन दोस्तों, मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही है कि जब सब कुछ सेम है, तो इनमें प्राइस का फ़र्क क्यों है। आप इसकी देखेंगे तो इसका प्राइस जो है कम है और इसका थोड़ा ज़्यादा है। अगर आप लोगों को समझ में आया हो कि इसका प्राइस क्यों ज़्यादा है, तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। हालांकि ये केबल जो है थोड़ी मेरे को हैवी लग रही है, इसका प्लास्टिक जो है, रबड़ जो है मजबूत थोड़ा, और इसका थोड़ा उतना खास नहीं लग रहा है। बाकी जो है सेम तार, सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है। आप तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।